नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, टेक स्काई से गाइड शुभम रख लिया है, क्योंकि टेक स्काई पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और शुभम गाइड पे नहीं है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वोडाफोन की सिम होती है उसमें वोल्ट नहीं आता, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस वोल्ट को हम कैसे अनेबल कर सकते हैं? तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो गाइस, जैसे कि हम न्यू सिम कार्ड लेते हैं वोडाफोन की, जैसे वीआई की या आइडिया की, तो उसमें वोल्ट नहीं आता है, तो हम उसे किस तरीके से वोल्ट करेंगे? तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ आपको दो काम करना पड़ेगा, दो काम में आपका वोल्ट एक्टिवेट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, ठीक है गाइस? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद अगर आपके पास वीआई ऐप नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें, अगर है तो उसे डायरेक्टली ओपन कर लें। तो आपको यहाँ पे लिखना है वीआई, तो आपको वीआई ऐप आ जाएगा, वोडाफोन का ऐप, आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ इसे ओपन करना है, ठीक है गाइस? तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है, इसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑल्टरनेट नंबर दिखाई देगा, फिर आपको नीचे में ऑप्शन आएगा आप अपना मेल आईडी डालो। तो यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डाल दें जो चालू है, जो आपके फ़ोन में अभी चालू है, तो आपको यहाँ पे सिंपली मेल आईडी कॉपी करके डाल देना है, ठीक है? इसके बाद आपको ये एरो का निशान आएगा जहाँ पेंसिल का निशान आ रहा है, तो मैंने पहले कर लिया तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? तो पेंसिल की जगह आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ से बैक होना है और मेल में आना है। तो मैं जीमेल में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ से इस तरीके का कोई ओटीपी आएगा आपके पास, तो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा कि 30 मिनट में आपका हो जाएगा। अगर 30 मिनट में आपका वोल्ट एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसके लिए 198 पे कॉल करना होगा और आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा, चार दबाना और ये ऑप्शन चूज करना, आपकी क्या कहते हैं, आपका सिम खो गया है और आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आपको बोलेगा हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं, तो आपको 9 दबाना है, ठीक है? तो उनकी कॉल आएगी तो उन्हें बोल देना कि सर मेरा वोल्ट एक्टिवेट कर दो, और मैंने सिम लिया और मेरा वोल्ट एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है और मैंने मेल आईडी भी ऐड कर दिया है। तो गाइस, वो कहते हैं 24 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आप वेट कर लें, मेरा तो 12 घंटे में हो गया था, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।